सियासत व्यापार खेडां ते फिल्म जगत दे नाल देश दुनिया दी हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो देश दी नंबर वन न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। तो ये कल रात तक कुल मिला के जिला लुधियाना दे विच 99 केस जिहड़े सीगे जो थे वो हो गए थे। इनमें से एक्टिव केस जो है वो 89 हैं, क्योंकि 6 केसेस जो हैं उनमें क्योर हो चुके हैं पेशेंट्स और 4 केसेस जो हैं उनमें डेथ हो गई थी। तो अब हमारे 89 केसेस जो हैं वो एक्टिव केस हैं इस समय, जो कि हमारे वर्धमान हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल में इस समय पॉजिटिव पेशेंट जो हैं वो हैं। और ज़्यादातर अच्छी बात जो है उसमें ये है कि हालांकि चलो नंबर तो काफ़ी हाई हो गया है, बट सबसे अच्छी बात जो है उसमें ये है कि ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं उनमें कोई भी किसी भी तरह के सिम्टम्स नहीं हैं और रिकवर कर रहे हैं। तो हाँ, देखो ऐसा है कि पहले तो जो लुधियाना के अपने लोकल थे वो तो 3 दिन पहले तक सिर्फ 18 ही केसेस थे, जिनमें से 10 एक्टिव भी नहीं रहे थे, 8 ही एक्टिव रह गए थे। बट पिछले 3 दिनों में हमारे पास पहले दिन 11, दूसरे दिन 48 और तीसरे दिन 22 केसेस जो हैं वो आए हैं। तो ज़्यादातर ये लोग जो हैं वो बाहर से आए हुए हैं, कुछ लोग नांदेड़ से आए थे, कुछ लोग कोटा से आए थे, कुछ लोग जैसलमेर से आए थे, कुछ लोग ग्वालियर वगैरह से, जो कंबाइन वाले हैं, जो कंबाइन ऑपरेटर्स थे वो जो आए थे। तो इस तरह से जो बाहर से हमारे पास लोग आए हैं ज़्यादातर वो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, बट कुछ लोग लोकल भी हैं, जैसे खन्ना साइड से भी कल 3 केस हमको मिले हैं। कुछ और एक दो केसेस जो हैं वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में निकल के आए हैं, तो नए केसेस भी हैं बट उनकी संख्या जो है वो काफ़ी कम है। और जो बाहर से लोग आए थे वो ज़्यादातर निकल रहे हैं। तो आज शाम तक हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे के सारे जितने भी ये लोग बाहर के आए हैं उन सब की टेस्टिंग जो है वो आज शाम तक हो जाए, जिससे कि जल्दी से जल्दी हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएं और उसके हिसाब से फिर अगली कार्रवाई कर सकें। सर, ये बताएंगे थोड़ा, जो नांदेड़ से आए हैं या कोटा से आए हैं, जो रूल कहता है इंडिया का कि पहले टेस्ट करके फिर आगे भेजते हैं स्टेट, तो क्या इनको टेस्ट किया गया था वहाँ पे? देखिए ऐसा है कि नंबर एक, आई डोंट नो कि आपको किसने बताया है कि ऐसा कोई रूल है कि टेस्ट करके बंदे को भेजा जाता है जो जाता। हाँ, ऐसा कोई रूल मैंने तो नहीं पढ़ा, शायद आपने पढ़ा हो कहीं, तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं इस बारे में। लेकिन जो रूल है वो ये है कि स्क्रीनिंग जो है वो की जाती है, क्योंकि टेस्टिंग करना, अब जैसे कि हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, लुधियाना में तकरीबन 7 लाख माइग्रेंट लोग हैं, हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो यहाँ से अगर अपने स्टेट वापस जाना चाहते हैं तो वो डेटाबेस हमने क्रिएट किया है, उसमें अपनी एंट्री जो है कर सकते हैं। तो अब 7 लाख लोगों को अगर जाना है तो उनकी टेस्टिंग जो है वो तो पॉसिबल भी नहीं होती। स्क्रीनिंग जो होती है वो एक चीज़ है जिसमें कि हम लोग सिम्टम्स वगैरह जो है वो चेक करते हैं जाने से पहले किसी को भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए। और गवर्नमेंट के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो भी आज की डेट में यही कहते हैं कि उनको जाने से पहले एक बार उनके सिम्टम्स जो हैं वो चेक कर लिए जाएँ। तो सिम्टम्स में चेक करने में ये देखा जाता है कि जो फिज़िकल सिम्टम्स हैं, लाइक जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि हमने एक थर्मल स्कैनर है, उससे पता चल जाता है कि टेम्परेचर तो नहीं है बंदे को, या उसके जुकाम खांसी इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं उनके बारे में चेक स्क्रीनिंग जो है वो की जाती है। तो मुझे लगता है कि हर एक स्टेट जो है वो अपनी जिम्मेवारी समझते हुए अपने प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहा है। और जैसा मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी जो लोग आए हैं उनमें सिम्टम्स तो दिख नहीं रहे, तो ये लोग जो हैं वो असिम्टोमेटिक हैं लेकिन पॉजिटिव हैं। तो ऐसे केसेस में हम उनको भी कोई वो नहीं कह सकते कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई वो की है, स्क्रीनिंग की करके ही उन्होंने भेजा होगा, जैसे हम यहाँ से स्क्रीनिंग करके आगे भेजते हैं। लास्ट सवाल सर, जलंधर जो मजदूर हैं उनको भेजने के लिए क्या इंतजाम, क्या कितने की एप्लीकेशन आ गई आपके पास और कैसे भेज रहे हैं, ट्रेन से या बसों से? देखिए अभी तक तो जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये हैं कि इनका डेटाबेस जो है वो क्रिएट कर लिया जाए। और इस समय हम लोगों के पास तकरीबन सुबह तक 10,000-11,000 लोगों की जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारे साथ शेयर कर ली गई थी। चूँकि स्टेट लेवल पे ये डेटाबेस मेंटेन हो रहा है तो वो टाइम पे हमको ये डेटाबेस जो है शेयर करते हैं। तो कल बस आज सुबह जब हमारे साथ शेयर किया था तब तक तकरीबन लुधियाना के 10,000 लोगों ने इसमें अप्लाई कर दिया था। तो डेटाबेस जो है वो क्रिएट किया जा रहा है, उसके बाद इस पंजाब गवर्नमेंट ने और जिस स्टेट के ये लोग होंगे उन स्टेट के जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनके साथ आपस में डिस्कशन करके फर्दर मोडस ऑपरेंडी जो होगी इसकी उसके बारे में फैसला करना है। तो जैसे जैसे हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आएंगे कि बाई रोड जाना है, बाई ट्रेन जाना है, बाई किसी और मोड जाना है, तो जैसे जैसे गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस आएंगे उस हिसाब से किया जाएगा। सर, जलंधर, अमृतसर, पटियाला और लुधियाना जो पंजाब के मेजर सिटीज़ हैं जिनमें ज़्यादा केसेज हैं, उनमें कुछ और नई तरह की इंस्ट्रक्शन आई है, कुछ सीलिंग वगैरह, या कुछ कह रहे हैं कि कर्फ्यू पासिस वगैरह भी वापस लिए जा सकते हैं जो इसमें काफ़ी केसेज जो सामने आए 4 शहरों में? देखिए क्या है इसमें कि एक तो इस चीज़ को हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये जो कैटेगराइजेशन होती है वो किस तरह से की जाती है, जोनिंग वगैरह जो होती है वो क्या होती है,
रेड जोन या रेड डिस्ट्रिक्ट, ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट, ग्रीन डिस्ट्रिक्ट क्या होते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो होम डिपार्टमेंट ने कल जो लेटेस्ट गाइडलाइंस जारी किए हैं इसमें बाकायदा इन चीज़ों को डिफाइन किया है कि ग्रीन डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, रेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है एक्सेट्रा। ग्रीन डिस्ट्रिक्ट जनरली उसको कहा जाता है जहाँ पे कोई केस नहीं हुआ या लास्ट 21 दिन में कोई केस वहाँ पे ना हुआ हो। जो रेड डिस्ट्रिक्ट है वो जनरली वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे नंबर ऑफ़ केसेस थोड़े ज़्यादा हैं या फिर डबलिंग रेट जो है वो एकदम से बढ़ गई हो। ऑल ऑफ ए सडन जैसे लुधियाना में पहले मैंने बताया कि बहुत कम केसेस हुआ करते थे, एकदम से बाहर से काफ़ी लोग आए, तो उसकी वजह से एकदम से हमारा नंबर जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो ये तो होगी डेफिनेशंस इन डिस्ट्रिक्ट्स की। उसके बाद रिलैक्सेशंस जो होती हैं उनमें जो मेजर चीज़ है वो है कंटेनमेंट एरिया, क्योंकि जहाँ पे पॉजिटिव केस होते हैं इसका मतलब है कि वहाँ पे कुछ एरिया ऐसा होगा जो कि सीरियस टाइप का होगा, जहाँ पे ज़्यादा केसेस आ रहे होंगे, तो उन एरियाज़ को स्पेसिफिकली टारगेट किया जाता है और उन एरियाज़ में मना किया जाता है कि ये रिस्ट्रिक्शंस लगी रहेंगी या ये चीज़ें जो हैं वो परमिट नहीं की जाएंगी। तो 4 तारीख से जो चीज़ें अप्लाई होनी हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी गाइडलाइंस जो हैं वो शेयर कल शाम को कर दी थी, जिनको आज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनको गो थ्रू कर रही है और उसके बाद डिटेल्ड गाइडलाइंस गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जारी की जाएंगी, जिसके बाद फिर हम अपना ऑर्डर भी जो है डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या कौन कौन सी जगह पे लगेगा वो फिर जारी करेंगे। रेड जोन कितने हैं सर? सवाल है सर, एक सवाल है, क्वारंटीन जो किए गए श्रद्धालु हैं उनका कहना है कि हमारी देखभाल अच्छे तरीके से नहीं की जा रही है, प्रशासन की तरफ से जो तैयारी की गई थी वो बिल्कुल भी जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रही है, गंदा पानी पीने को मिल रहा है, खाने की सुविधा नहीं है, सोने की सुविधा नहीं है, ऐसी चीज़ें सामने आ रही है, उनके वीडियोज बाहर हमें भेजे जा रहे हैं। पहला सवाल था आपका कि रेड जोन कितने हैं, तो रेड जोन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, रेड जोन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। रेड डिस्ट्रिक्ट जो है वो लुधियाना एक रेड डिस्ट्रिक्ट में डिक्लेयर्ड है। जो जोनिंग है वो हमारी होती है आपकी कंटेनमेंट जोन्स के बारे में। कंटेनमेंट जोन जनरली हम उन एरियाज़ को कहते हैं जहाँ पर 15 से ज़्यादा केसेस होते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि हमारे लोकल केसेस तो 18 ही थे, पिछले टाइम में कुछ एक बड़े हैं, ये जो लोग हैं वो सारे के सारे लोग बाहर से आए हुए हैं। तो बाहर से आए हुए लोगों के होने की वजह से इनको हम किसी पर्टिकुलर एरिया का नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर एरिया में होने की वजह से वहाँ पे स्प्रेड हो सकता है। जब जो बंदा बाहर से आया और सीधे हमारे हॉस्पिटल फैसिलिटी में आ गया तो उस पर्टिकुलर एरिया में तो फैला ही नहीं वो चीज़, तो इसलिए हम उस हिसाब से इनको टेक्निकली हर एक केस को देखते हुए फिर डिक्लेयर करते हैं। तो एज ऑफ नाउ हमने अभी तक कोई कंटेनमेंट एरिया अपना जो है वो डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। हाई रिस्क एरिया जो है ज़रूर हमने डिक्लेयर किए हुए हैं, जिनको हम रिस्ट्रिक्टेड एरिया या प्रायोरिटी एरियाज कहते हैं, जैसे हमारा अमरपुरा था, चौकी मान था, उस तरह से एक दो विलेजेस और जो हम करने लगे हैं आज। तो मोस्ट प्रॉब्ली अभी हमारी 4 बजे एक मीटिंग है, उसमें हम इन चीज़ों को देखते हुए फिर फर्दर डिक्लेरेशंस करेंगे। दूसरा जो अभी थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था क्वारंटीन फैसिलिटीज़ के बारे में, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा इसमें कि लोगों की एक्सपेक्टेशन जो होती हैं वो हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा हों, लेकिन जहाँ तक हमारी तैयारियों का सवाल है वो चाक चौबंद है। तीनों टाइम पे प्रॉपर खाना मिल रहा है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों मिलते हैं, टाइमली मिलते हैं, और उसकी इन्फॉर्मेशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हमारे पास आ जाती है। ये ज़रूर है कि ये लोग चूँकि बाहर से आए हुए हैं, काफ़ी टाइम घर से बाहर रहे थे, उनको पंजाब लाया गया है, अब वो लोग अपने घरों तक नहीं जा पा रहे हैं, तो कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट जो होता है वो उनमें लोगों में आ जाता है। प्लस साथ में ये भी एक दिक्कत होती है कभी कभी कि लोगों को जब बीमार होता है तो उसको लगता है कि मैं बीमार हूँ और मुझको डॉक्टर की ज़रूरत है, डॉक्टर मुझको दवाई दे रहा है, तो एक रिलेशनशिप जो होता है डॉक्टर और पेशेंट वाला उनके बीच में क्रिएट हो जाता है। बट इस केस में चूँकि इन लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं होते या कोई इनको बीमार वाली फीलिंग ही नहीं होती है, तो इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कभी कभी कि हम तो बिल्कुल ठीक हैं, हमको इसलिए यहाँ पे ज़बरदस्ती रखा जा रहा है या हमको रखा गया है। तो इसका केवल और केवल एक रीज़न यही है कि उनको रखने का जो मकसद है या जो रीज़न है वो यही है कि आगे स्प्रेड ना करे। केवल और केवल एक आइसोलेशन या क्वारंटीन फैसिलिटी जो है वो इसलिए प्रोवाइड की जाती है कि आगे समाज में जाके आगे स्प्रेड ना करे। तो मैं इन लोगों से, हम लोग लगातार इनके साथ टच में हैं और कोशिश कर रहे हैं, काउंसलिंग के थ्रू भी इनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि काइंडली अपना ये सोचते हुए कि आप में अगर पॉजिटिव आप आ गए हैं या अभी आप नेगेटिव हैं, चूँकि आप पॉजिटिव लोगों के साथ चल के आए हैं, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कहीं बाद में ना फैल जाए, तो इसलिए आपको इस फैसिलिटी में रखा गया है। और आपकी पहली टेस्टिंग हो चुकी है, दूसरी टेस्टिंग भी करवा के जब आप नेगेटिव इनकेस आ जाते हैं तो हम आपको डिस्चार्ज करते हैं। थैंक यू।